अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम घर पर शवारमा बना रहे हैं, जिसकी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चिकन को पहले से मैरिनेट कर लिया था, थोड़ा सा ऑयल तवे पे डालकर हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। चिकन में हमने नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस और सिरका लगा के हमने इसको मैरिनेट किया था। चिकन पक चुका है, अब हम इसको तवे पर ही चम्मच की मदद से छोटा छोटा करेंगे। अब चिकन तैयार हो गया है, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। मायोनीज, बंद गोभी, पीटा ब्रेड और सिरके वाले खीरे ये तैयार हैं। तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने पीटा ब्रेड रख दी है, अब हम इसको सेकेंगे थोड़ी सी मायोनीज डाल के। जब ये अब ये सेक गई है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। सबसे पहले पीटा ब्रेड के ऊपर हम मायोनीज डालेंगे और चिली का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट में हमने सिरका, नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च डाल के हमने इसको पेस्ट बनाया था। अब हम इसके ऊपर अच्छी तरह पीटा ब्रेड पे ये दोनों चीज़ें मिक्स करके अच्छी तरह लगा देंगे। अब हम चिकन रखेंगे। चिकन को हमने पीटा ब्रेड के ऊपर रख दिया है। इसके बाद हम बंद गोभी डाल रहे हैं। इसके बाद हमने सिरके में ये खीरों को गोल गोल काट के रखा था, वो हम इसके ऊपर रख रहे हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी और मायोनीज रखेंगे। अब हम इसको बटर पेपर में रैप कर लेंगे। ये अब बटर पेपर में रैप हो गया और फाइनली हमारा शवारमा तैयार है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा शवारमा तैयार हुआ है। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।